बदलती किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं जब भी कहीं जाता हूं लोग मुझे रहने नहीं देता है। मैं कहां जाऊं योगेश? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मकसद कराऊंगा। राधा, ए राधा। हाँ पिमा। बुद्धू, तुम यही बेची रहोगी? योगेश भैया आए हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है? योगेश भैया आया है? तुझे किसने कहा? मैंने खुद देखा है, उनके साथ एक लामा साथी भी आया है। हाँ हो सकता है, उसका एक साथी है, उसका नाम पाशन, शायद वो भी आया होगा उसके साथ। चलिए मिलते हैं। यह संसार मिथ्या है। मुक्ति प्राप्ति के लिए बौद्ध अभ्यास करेगा तो जीवन में जीवन का दुख सुख में प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए हमें सेवा करना जरूरी है, जैसे कि अनाथालय, अस्पताल, विद्याश्रम वगैरह। मेरा जो इच्छा है, आकांक्षा है, दूसरे का भी वही है, लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता हो तो संसार में और दुख बढ़ जाएगा। लामा साहब, चाय स्वीकार करें। बेटी, तुम कब आई? आओ ना। राधा, तुम कब आई? आओ ना, चलो, बड़े लामा आए हुए हैं। आओ ना। नहीं, मेरे घर में कुछ काम है, मैं अभी के लिए चलती हूँ। अरे राधा, सुनो ना। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी,
फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राधा, मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? मुझे साधु संत और भिक्षुओं की संगत की पसंद अच्छी नहीं लगती है। तुम्हें साधुओं से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो संसार और जीवन की खुशी और आनंद के साथ बिताने का दिल करता है। राधा, तुमको ये संसार कैसा लगता है? कैसा लगता है कहे? मुझे तो आप मिलने पर सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा सपना, विपना और संसार सब आप ही हैं। अगर आपको नहीं देखती हूं तो संसार वीरान सा लगता है। ये तुम्हारी कच्ची भावना है राधा। ये संसार बीमार है। यहाँ के लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए, दूसरों को प्यार नहीं करते, सिर्फ ये मानव होने का ढोंग करते हैं। ये लोग सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये लोग प्यार, दया, ये सब नहीं है यहाँ के मानव में, इसलिए ये संसार बीमार है राधा। योगेश, आपको क्या हो गया है? आज क्यों ऐसी अलग किस्म की बात कर रहे हैं? मुश्किल से एक बार आते हैं, तो भी अलग किस्म की बात करके मेरा दिल तोड़ देते हो। मैंने क्या इम्पॉसिबल बात किया है? आप ही कहते हैं ना, लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं तो आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं सोचते। आप स्वार्थी हैं। देखो राधा, ये तुम नहीं समझ पाओगी, समय आने पर सब समझ जाओगे। समय आने पर। ओ मालती की माँ, जी आज पानी नहीं पिलाओगी क्या? बहुत गर्मी है। ला रही हूँ। जल्दी लिया। क्या करूं, घर के काम भी खत्म नहीं होता है और घर में काम करने वाला भी नहीं है, और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। हाँ डार्लिंग, अब तो योगेश की शादी कर ही देना होगा। घर में बहू आएगी तो घर का काम सारा संभाल लेगी, उसके बाद धीरे धीरे पोते पोतियाँ होंगे, फिर तो घर ही उजाला हो जाएगा, और उसके बाद तू और मैं फिर से फुर्सत में रहेंगे। आपने तो मेरे मुँह की बात छीन ली। मैं भी तो आपसे यही मशवरा करना चाहती थी। आपको पता है हमारा योगेश बेटा वो राधा से प्यार करती है ना? राधा से? सचमुच? हाँ, उसी को तो मैंने पसंद किया है। सच? वो दोनों तो नदी किनारे समतल पत्थर पर बैठकर बातें करती रहती है, और फिर ये लड़की राधा भी गुनगुनती है और घर में माँ बाप का हाथ बटाकर दूध बेचने जाती है और साथ में पढ़ाई भी करती है।
तो ठीक है आरती, अब की बार योगेश जब घर पे आएगा तो आते ही मैं उससे बात करूंगा, ठीक है ना? जरूर करना, आप तो भूल जाते हो। माँ, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, कुछ खाने को बना देती हूँ। आप लोग कुछ देर पहले किसके शादी की बात कर रहे थे? योगेश भैया की है ना? हाँ, योगेश की शादी की बात हो रही थी। और योगेश के शादी की भी तो उम्र हो गया है और हमने लड़की भी पसंद कर ली है। वो तो मुझे भी पता है। और तुम्हें राधा कैसी लगती है? राधा दीदी भाभी बनकर आएगी तो तब तो बड़ा मजा आएगा। <चो अंदर। laughs> मुझे कुछ हो गया तो कठोर निर्णय लेने का वक्त आ गया है। अरे राधा, आज क्यों इतनी उतावली दिख रही हो? योगेश भैया आए हैं क्या? नहीं, सिर्फ वो आए नहीं है बल्कि एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? योगेश के पिता ना मेरे मंगनी के लिए आने वाली बात है। सच? किसने कहा? हाँ, मैंने खुद सुने हैं मालती से। बधाई हो राधा, जल्दी जाओ, योगेश भैया चपटे पत्थर पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बीमा, तुमने अभी जो बात बताई ना उसे सुनने में कितने बरस लगे हैं, लेकिन मैं बाबा माँ को भी बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मैं? इसी को कहते हैं चिची का भी लोभ पापा का भी लोभ। पगली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, समझी? पेमा, मैं योगेश को खोना नहीं चाहती, ये मेरे जिंदगी का तपस्या का फल है। एक ही तो गांव है, कभी कभार माँ बाप से मुलाकात करने से हो जाएगा। अच्छा राधा, घर में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। अच्छा अच्छा, फिर मिलेंगे। हाँ ठीक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये सब क्या है राधा?
मैं इस संसार में और ज्यादा लोग प्रेम बांट सकता हूँ। मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा कर्तव्य क्या है, तो सबका उत्तर मुझे मिल चुका है। दादा, मेरा कर्म चक्र मुझे मिल गया। आपने सिर्फ आपके बारे में सोचा है, अब मेरा जिंदगी का क्या होगा? मेरी बात सुनो राधिका, हमारे भविष्य पहले से निकल तुम सरोवर के लोग, तुम्हारे भविष्य
सुनिए तो। हाँ। हमारी बेटी को आजकल क्या हो गया है? न ठीक से बोलती है, न काम में ध्यान देती है। उसने तो खाना खाना भी छोड़ दिया है। हाँ, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उसके चाल डाल में भी बहुत बदलाव आया है। वो बहुत कमजोर भी हो गई है। तुम माँ हो उसकी, माँ तो बेटियों के सहेली जैसी होती है ना। अरे पूछो ना उसको, उसको हुआ क्या है? मैंने तो कितनी बार पूछा उसको, कुछ बताने को राजी ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अभी वो कहाँ आए? राधा, अगर तुमको योगेश भैया ने धोखा दिया तो क्या हुआ? उनसे भी कहीं बेहतर और धनवान श्याम भैया तुमको बहुत पसंद करते हैं। हेमा, प्यार हर किसी से किया नहीं जाता है। मैंने जीवन में एक ही व्यक्ति योगेश से प्यार किया है। हम में किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो बुद्धू, यह जीवन बहुत अमूल्य है। मैं अब किसी के साथ शादी भी कर नहीं सकती। पिछले जन्म के अच्छे कर्म करने के फलस्वरूप प्राप्त किया है। बौद्ध धर्म के दर्शन अनुसार इस लोक में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य लोक है। इस लोक में जो लोग अभ्यास करने वाले लोग को संबोधि ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। लामा जी, मैं सुखवती भूमि के बारे में कुछ अस्पष्ट, कुछ बता देंगे आप? दिव्य रत्न, अमिताभ बुद्ध ने मृत्यु के बाद लोगों को सुखवती भूमि में ले जाने का कबूल किया है, लेकिन सुखवती भूमि में जाने के लिए लोगों को प्रशस्त सेवा, पुण्य और असल कार्य करना चाहिए। लामा जी, क्या हम महिलाएं भी बौद्ध धर्म का शिक्षा अभ्यास कर सकते हैं? मनुष्य कहने से महिला पुरुष का भेद कहां से आया? ये रास्ता सभी के लिए खुला है। लामा जी, क्या हम सुभद्रा भाभी के पति के आचरण में कुछ सुधार ला सकते हैं? मैंने वो आदमी का भाग्य देख लिया है। वो आदमी आदमी कहने का लायक ही नहीं है। लामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी लोगों को सुखी रखे। हुआ क्या सर? जिस महिला के साथ में वो रहता था उसका खून हो चुका है और इल्जाम रणदोष पर लगा हुआ है। हिमालय का है उजलापन, झरनों सा है बचपन, पहाड़ों की हरियाली में उड़ते आंचल सा यौवन, छोटा सा है जीवन मेरा उतनी बड़ी है कहानी। हो बिटिया पहाड़ की हो। होठों पे मुस्कान है, आंसू में भी कथा है, खट्टी मीठी हंसी खुशियों में थोड़ी सी रोती व्यथा है। इस माटी में जन्म